अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू शाइस्ता कॉर्नर। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस माय एनी रेसिपी। तो जी आज मैं बना रही हूँ रमज़ान स्पेशल चिकन चीज़ समोसा। तो आइए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। एक पाव मैंने लिया है चिकन का कीमा, एक मीडियम साइज़ की मैंने अनियन ली है जिसको मैंने चॉप कर लिया है, 3 जवे मैंने लिए हैं लहसुन के, और हाफ मैंने ली है ये कैप्सिकम, शिमला मिर्च को मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। स्पाइसेस कुछ यूँ हैं, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है नमक, 1/4 टीस्पून मैंने लिया है वाइट पेपर, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है कुटा भुना धनिया, 1/4 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला, और 1 टीस्पून जाएगा सोया सॉस, 1 टीस्पून जाएगा विनीगर। हमारा पैन अच्छी तरह हीट अप हो चुका है, अब हम इसमें दो टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे, और अब हम इसमें शामिल कर लेंगे लहसुन जो हमने क्रश करके रखा है। थोड़ी सी इसकी लहसुन की ब्राउन स्मेल ख़त्म हो जाए तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे चिकन कीमा। इसको हम 3-4 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। अब हमारा कीमा ने अच्छी तरह से अपना कलर चेंज कर दिया है, अब हम इस पॉइंट पे इसमें शामिल करेंगे सारे स्पाइसेस। और ये अनियन, कैप्सिकम, इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे तकरीबन। इन सारी चीज़ों को हम भून लेंगे अच्छी तरह से तकरीबन 2-3 मिनट के लिए। आपको पता है चिकन का कीमा बहुत जल्दी ही गल जाता है, इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से भून चुकी हैं, अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस। नमक मैंने इसीलिए कम डाला था क्योंकि ऑलरेडी सोया सॉस में भी नमक शामिल होता है। अब जाएगा 1 टीस्पून इसमें विनीगर, सफ़ेद सिरका, अब हमारी स्टफिंग अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब हमें इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं जब तक हम बनाते हैं समोसे पट्टी बनाते हैं हम। और एंड में मैंने इसमें शामिल कर दी चीज़, मेरे पास ये चीज़ स्लाइसेस अवेलेबल थे वो मैंने शामिल कर लिए हैं, इससे हमारी स्टफिंग बहुत ही यमी और मज़े की बनेगी। 30 मिनट की रेस्ट के बाद हमारी डो इस तरह हो चुकी है रेडी, तो अब हम इसको लेंगे, बड़ी साइज़ का पेड़ा बनाएंगे। डो बनाने की रेसिपी भी पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसका मुकम्मल लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, यहाँ आई बटन में मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो मैं बहुत सी दफ़ा डो बना चुकी हूँ। इसकी हम बड़ी सी रोटी बना लेंगे। कोशिश करें कि इसमें आपको आटा ना डस्ट करना पड़े, अगर ज़रूरत पड़ जाए तो थोड़ा सा आप डस्ट कर सकते हैं।
ये इस तरह से मैंने इसकी डो बना ली है। अब आप कोई सी भी प्याली ले लें, ग्लास ले लें, उसकी मदद से इसको राउंड शेप में कट करें। इस तरह से ये देखिए, ये डो बिल्कुल ही पतली बारीक सी इस तरह बनी है। अब हम इसमें, हमारी स्टफिंग ठंडी हो चुकी है तो अब हम इसमें स्टफिंग करेंगे। अब ये हमने इनकी कटिंग कर ली है और अब हम पानी की मदद से इनको यहाँ गोल गोल पानी लगा लेंगे, इसके अराउंड गीला कर लेंगे इसको इस तरह से। अब हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है, अब हम इसमें शामिल करेंगे। और ये हम इसको इस तरह से मोड़ देंगे। और हम फॉक की मदद से, अब हम फॉक की मदद से इसको ऐसे प्रेस करके इस पे डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखें इस तरह से। ये देखिए कितने खूबसूरत शेप में हमारे समोसे बने, चिकन चीज़ समोसा। अच्छी तरह लो मीडियम फ्लेम पे हीट अप हो चुका है तो अब हम इसमें तल लेते हैं अपने चिकन समोसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्रेश बने हुए थे तो मैंने इसीलिए गरम ऑयल में डाल दिए। अगर आपके ये फ्रीज किए हुए हों तो आप हल्के गरम में डालिएगा ऑयल में। ये देखिए हमारे गर्मा गर्म क्रिस्पी चिकन चीज़ समोसा रेडी है। अब हम इनको, ये देखें ना कहीं से खुले हैं ना क्या, बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन कलर आया है। अब हम इनको करते हैं डिश आउट। बनकर रेडी हैं हमारे चिकन चीज़ समोसा, रमज़ान स्पेशल। आप इनको इफ्तारी में बनाएं और इनको तकरीबन एक महीने तक आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं। आप इनको बनाएं, इफ्तारी को एंजॉय करें। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।